हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्यश की मीडिया। आई एम योर होस्ट अमित। गाइस मेक इट लार्ज। जी हां, आज मैं लेके आया हूं आप सबके साथ शेयर करने के लिए रॉयल स्टैग। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने रिव्यू को थोड़ा सा लार्ज बनाया जाए। जी हां, इसलिए आज मैंने ये सारा सेटअप किया है और मैं शेयर करने के लिए लेके आया हूँ ये बॉटल्स आपके साथ। आज मैं करूंगा इसका कंप्लीट रिव्यू, बताऊंगा आपको क्या है इसकी नोजिंग, क्या है इसका टेस्ट और इसकी प्राइसिंग क्या है पंजाब में। हालांकि ये एक ऐसा ब्रांड है जिसको किसी के भी रिव्यू की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा सेल्स होती है इसकी हमारी इंडियन मार्केट में। ये टॉप 5 नंबर्स में आती रही है हमेशा सेल्स के मामले में। लाखों के हिसाब से दोस्तों इसकी बॉटल सेल्स होती हैं, और ये मैं महीने की नहीं सेल्स बोल रहा, हफ्ते की, दिनों की ये लाखों बॉटल सेल होती हैं। जी हाँ, इतनी ज्यादा सेल्स है इसकी। और ये लॉन्च हुई थी इन द ईयर 1995 में, और इसको जो कंपनी लाती है ये है सीग्रम्स। जी हाँ, सीग्रम्स ग्रुप से ये आती है, और जब से ये आई है इंडिया में इसने इतनी ज्यादा दबा के सेल्स की है, इतना ज्यादा लोग इसको पीना पसंद करते हैं। इसका जो टेस्ट है, इसकी जो टेस्ट प्रोफाइल है वो लोगों को इतना ज्यादा सूट करती है, काफी ज्यादा लोग इसको पीना पसंद करते हैं। हालांकि मैंने खुद अपनी लाइफ में 4 बार पिया है इसको, लेकिन एक अच्छी बात मैं बोलूंगा, कभी भी सुबह इसने मुझे तंग नहीं किया उठने में। जी हाँ, ये मुझे इसका प्लस पॉइंट लगा कि सुबह कभी भी इसने हैंगओवर नहीं दिया मुझे। तो इस प्राइस रेंज में काफी अच्छी एक ये सेल होने वाली विस्की है। इसका पंजाब में प्राइस 650 से लेके 750 रुपीज है। जी हाँ, प्राइस सिटी टू सिटी डिफर कर सकते हैं, और दिल्ली वगैरह में, चंडीगढ़ में ये 500 की भी मिल जाती है। तो ये एक जो है विस्की, ये एक बजट सेगमेंट वाली विस्की है, और इसीलिए इसका इतना ज्यादा वॉल्यूम में सेल्स होना बहुत ही लाजमी है हमारे इंडिया में, और होती भी बहुत ही दबा के सेल्स है इसकी। तो अब मैं इसको ओपन करता हूं और पोर करता हूं अपने ग्लास में। तो ओपन करते हैं अपनी बॉटल को। गाइस ये जो बॉटल्स है मैंने बाय नहीं की, मैंने अपने ग्रुप में, मैंने अपने आसपास के लोगों में बोला कि मैंने रिव्यू करना है रॉयल स्टैग का। तो आप लोग देखिए कितना स्टॉक लोगों के पास पड़ा होता है, सबने एक एक बॉटल मुझे दे दी रिव्यू करने के लिए। तो अभी मैंने सिर्फ 1-2 लोगों को ही बोला था, तो आप सोच सकते हो इसकी कितनी ज्यादा सेल्स होती है कि लोगों के पास 2-3-4 वैसे ही स्पेयर पड़ी रहती है स्टॉक में। तो इससे पता चलता है कि इसकी कितनी हैवी सेल्स है। तो चलिए ओपन करते हैं बॉटल को। इसकी काफी अच्छी सील्स है, काफी प्यारी सील है कंपनी ने लगाई है इस पे। तो अब मैं इसको पोर करूंगा ग्लास में। एमआरपी जो ऊपर मेंशन है ये है 604 रुपीज, 604 रुपए की एमआरपी है। कैपिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, जो बॉटल का डिजाइन है वो बहुत ही प्यारा, एक डायमंड कट यहां पे दिया हुआ है, काफी प्यारा बॉटल का डिजाइन है, डिजाइन काफी अच्छा है बॉटल का। तो अब मैं बॉटल को साइड पे रखता हूं, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देता हूं आपको कि क्या कुछ पड़ा है। गाइस कंपनी का दावा है कि इसमें ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट्स का यूज किया गया है और स्कॉच मॉल्ट्स का यूज किया गया है, इसमें एडिड फ्लेवर्स का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया, जो कि एक काफी अच्छी बात है। तो चलिए अब करते हैं इसकी नोजिंग। चीयर्स। एक हैवीनेस है इसमें, एक वुडी फ्लेवर आ रहा है, और हनी के कुछ कुछ नोट्स मुझे मिल रहे हैं, और थोड़े से मीठे मीठे नोट्स आ रहे हैं जो कि मोलासिस से आते हैं। जी हाँ, ऊपर लिखा नहीं है लेकिन इसमें मोलासिस का यूज किया गया है इसको बनाने में, इसीलिए इसमें से एक वो मीठापन, एक मिठास आ रही है नोजिंग के ऊपर। गाइज अकॉर्डिंग टू प्राइस नोजिंग इसकी काफी अच्छी है, इसीलिए लोग इतना ज्यादा पीना पसंद करते हैं। कोई भी फाउल स्मेल मुझे इसमें से नहीं आ रही। अब मैं इसको टेस्ट करके बताता हूं कि पैलेट पे ये कैसी लगती है। एक स्पेशल रिक्वेस्ट है जिन्होंने ये बॉटल्स दी है, उन्होंने बोला है मुझे कि इसमें सोडा ऐड करके भी जरूर आज मैं ट्राई करूं और बताऊं सोडे के साथ ये कैसी लगती है। तो मैं सोडा भी इसमें जो है आगे ऐड करूंगा, लेकिन अब मैं इसको नीट ट्राई करूंगा और बताऊंगा नीट में ये कैसी लगती है। चीयर्स।
अल्कोहल की एक जो बाइट होती है वो मेरी टंग के ऊपर मुझे मिल रही है, इचिंग कर रही है मेरी टंग के ऊपर। मोलासिस इसमें डाले हुए हैं, उससे मिठास आ रही है, एक मीठापन आ रहा है और एक वुडी फ्लेवर मुझे मिल रहा है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन नीट आप इसको बिल्कुल भी मत पीना गाइस, नीट पीने के लिए ये नहीं बनी। आप इसको मिक्स करके पियो किसी चीज के साथ। मेरी टंग के ऊपर हल्की सी बर्निंग दे रही है, ये अल्कोहल का इफेक्ट, वो बर्न इफेक्ट मुझे इजीली मिल रहा है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा सोडा और पानी बना के एक पैक बना के ट्राई करता हूँ कि वैसे पीने में ये कैसी लगती है। तो थोड़ी सी मैं विस्की और ऐड करूंगा इसमें। तो गाइस अब इसमें मैं सोडा और पानी ऐड करता हूं। जस्ट फ्यू ड्रॉप्स मैंने थोड़ा सा सोडा डाला है ताकि वो पंच मिल सके इसको, और थोड़ा सा पानी ऐड करता हूं। तो गाइस अब मैं टेस्ट करके बताता हूं कि एक्चुअल में ये पीने में कैसी लगती है। इतनी देर में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आज जरूर करना, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चीयर्स। सोडा ऐड करने के बाद और पानी ऐड करने के बाद काफी अच्छा टेस्ट बढ़ गया है इसका। एक सोडे का जो पंच है वो इसमें आ रहा है और इसमें जो वुडीनेस है वो भी अब उभर के बाहर आ रही है। जो अल्कोहल का पंच था, जो बिटरनेस थी, वो बिल्कुल ही जीरो हो गई है। कहने का मतलब काफी अच्छी एक माउथ फील दे रही है, ऐसे पीने में काफी अच्छी लग रही है, इसीलिए शायद इसकी इतनी ज्यादा सेल्स होती है हमारी इंडियन मार्केट में। गाइस आप में से कौन कौन फैन है रॉयल स्टैग का, प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।